और इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आपने समय दिया इन शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डॉक्टर एस टी हसन। डॉक्टर एस टी हसन, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्र। प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज मिस हसन, हसन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के लिए आप जो ये बिल लेकर आए हैं, ये ज़रूर है कि आप देर आए दुरुस्त आए, बिल के साथ हैं हम लोग, आना चाहिए। लेकिन जो और समस्याएं अभी डिस्कस हुई पूरे पार्लियामेंट के अंदर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूं, एक समस्या बहुत बड़ी है। अगर जब से मैं समझता हूं इंसानियत है, जब से इंसान पैदा हुआ है और आज तक लोगों में प्यार मोहब्बत इश्क लैला मजनू शीरी फरात ये होते चले आए हैं, अगर किसी ने इंटर जाति शादी कर ली या इंटर रिलीजन कर ली तो मुसीबत आ गई उसके ऊपर। जातियों में भी लोग उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत से माँ बाप उनको अपने से अलग कर देते हैं, ऑनर किलिंग करते हैं, ऑनर किलिंग तक होती है। और इंटर रिलीजन हो गई तो सर इस पीरियड में हम ये बड़ी अजीबोगरीब बात देख रहे हैं कि वो लव जिहाद हो जाता है। 21वीं सदी में दुनिया जा रही है, हम भी जा रहे हैं। ज़रा सोचिए कि 21वीं सदी में एक लेडी अपने शरीक हयात को चुन रही है, उसे ये नहीं मालूम कि वो किस रिलीजन का है। जब वो उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है या घर का प्रेशर होता है, घर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो मजबूरन वो ये कह देती है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये आदमी मुसलमान था या हिंदू था, और वो मुसीबत में आ जाता है, पूरा जेल चला जाता, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस पे मेरा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इस पे गौर करें, ये समाज की बहुत बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। सर आपने तीन तलाक की भी बात करी, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है। लोगों ने आपसे पूछा कि कितने लोगों को सज़ा हुई, मैं तो आपसे ये पूछना चाहूँगा इसके साथ साथ कि कितने लोगों ने मिसयूज़ करा। मियाँ बीवी के झगड़े आपस में हो जाते हैं, नाराज़गी हो जाती है, बीवी उठा के खट से फ़ोन कर देती है 112 नंबर पे, वैन आ जाती है, पकड़ लेते हैं और उसके बाद समझा बुझा कर और सुविधा शुल्क लेके चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश की है सुविधा शुल्क, वो लेके चले जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं सर। बिल्कुल सर, इसलिए सर इस पर गौर करना पड़ेगा कि इसके मिसयूज़ को भी हम कंट्रोल करें। मैं अभी इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छी बात कही माँ बाप के लिए, यकीनी तौर पे हम सब और पूरा हमारी पार्लियामेंट इससे सहमत है। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनके नाम में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये देखा गया है कि उनकी खिदमत कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, और जब जैसी प्रॉपर्टी उनके नाम उन्होंने करी उसके बाद उन्होंने उनको वहाँ पर भेज दिया फैमिली होम में। ये ऐसे माँ बाप जिनको धोखा दे के प्रॉपर्टी ले ली जाए और उसके बाद उनका ख्याल ना रखा जाए, तो कोई प्रोविज़न ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप की विश के एवज में वो प्रॉपर्टी वापस माँ बाप ले सकें। अगर वो ये राइट माँ बाप को होगा तो फिर माँ बाप की नाकदरी बच्चे नहीं करेंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी निशिकांत दुबे जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। अरे हम सब धार्मिक लोग हैं, हर आदमी अपने धर्म से बंधा हुआ है। ये लिविंग रिलेशनशिप को आज हमने रिकॉग्निशन क्यों दी है? इससे बेगैरती बेहयाई और उरियानियत बढ़ने के अलावा और दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। होमोसेक्सुअलिटी को हम रिकॉग्नाइज करने लगे, क्या ये भारत की सभ्यता है? क्या ये भारत की तहजीब है? मैं मंत्री जी से यही आग्रह करूँगा कि इन सब चीज़ों को भी बैन करना चाहिए, कानून इसके लिए भी सख्त होना चाहिए। मैं आपसे डावरी एक्ट के बारे में भी, क्योंकि अभी आपने निशिकांत दुबे जी ने कहा कि महिलाएं इन्वॉल्व हो रही हैं, मैं आपको एक पर्सनल
वाकया बताता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, 90% जलेबी एक लेडी मेरे पास आई, उसका सुसर 80 साल का और सास उसकी 75 साल की, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया कि मेरे सुसर और सास ने मुझे पकड़ा और ननद ने तेल डाला और आग लगा दी। जब मैंने उससे अकेले में उसके रूम में उससे इंक्वायरी करी कि सच सच बताओ कि 80 साल का बुड्ढा ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया और तुम क्यों नहीं भागी, तो मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं गुस्से वाली लेडी हूँ, मैंने खुद आग लगाई है, मैंने इनके ऊपर इल्ज़ाम डाला है। वो तो मर गई और उसके साथ ससुर उसकी ननद जो है जेल चले गए। ये डाइंग डिक्लेरेशन में भी लोग अब बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए कानून मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, इन सेंसिटिव मामले में डाइंग डिक्लेरेशन को भी आखिरी गवाही ना समझी जाए। मैं इसी के साथ इस बिल का नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के लिए इसका सपोर्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने कही हैं उस पर मंत्री जी गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री शंकर लालवानी।